दोस्तों कि आप लोग अपने मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे देखे मेरे में आप लोग देखते हैं, जैसे ऐसे कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखे हिडन ऐप और यहाँ पे देखे जो ऐप हाइड है यहाँ पे शो करिए। आप लोग भी इस तरह अपने मोबाइल में एक्टिवेट करना चाहते हैं विदाउट एप्लीकेशन, इसे करना चाहते हैं, आप चाहते बस मैं इतना कर दूँ, यहाँ पे हिडन ऐप ऐप जाएँ और जो ऐड करना चाहूँ तो ऐड वाले पे क्लिक करके आप देखे ऐप को ऐड करके यहाँ पे हाइड कर सकते हैं। आप लोग भी अपने मोबाइल में इस सेटिंग को करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको ये करना है, दोस्तों जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, ऑल वाले पे क्लिक करना है, फिर यहाँ कमेंट वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कमेंट करना है ऐप हाइड, इतना कमेंट कर देना है। दोस्तों चाहे व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, मतलब कोई भी एप्लीकेशन है आप लोग चाहते हैं मेरे मोबाइल में रहे, उसे जैसे मेरा मोबाइल कोई ले ले उस एप्लीकेशन को न देख पाए और यहाँ पे जो मेरी चैट है या कुछ भी है वो न देख सके, कोई भी पर्सन न देख सके, तो दोस्तों जो सेटिंग बताऊंगा उसके जरिए आप लोग बिना किसी एप्लीकेशन के ऐप को हाइड कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में सेटिंग पे जाना होगा। जैसे यहाँ देखे सेटिंग शो करिए, सबसे पहले दोबारा आपको दिखाता हूं, जैसे मैं ऐसे कर रहा हूं तो यहां पे देखे हिडन ऐप शो करा, तो आपको यहां पे देखे इसी तरह सेटिंग करना है तो यहां सेटिंग्स वाले पे जाना होगा, तो यहां पे ये ऑप्शन शो करेगा और यहां देखे अबाउट फोन, सिस्टम, सिक्योरिटी, काफी सारे ऑप्शन शो करें, हमें और नीचे आना है, और नीचे आना है और यहां पे एक ऑप्शन शो करा ऐप, जैसे यहाँ ऐप्स वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखे काफ़ी सारी सेटिंग्स शो करिए और यहाँ पे ऐप लॉक, जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो दोस्तों यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड वगैरह हो उसे इंटर कर देना है। दोस्तों यहाँ पे ऐप लॉक का ऑप्शन है यहाँ पे, लेकिन हिडन ऐप का ऑप्शन नहीं है। दूसरे से आप लोग कोई भी एप्लीकेशन को लॉक करना चाहें तो यहाँ देखिए ऑफ है, यहाँ पे ऑन कर देना है, ऐप को लॉक कर सकते हैं। जैसे आपको ऐप को हाइड करना है तो यहाँ से बैक आना है, और बैक का जाना है, और बैक का आना है, फिर आपको यहाँ सर्च यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा हाइड, इसका लिखना हाइड और यहाँ देखिए हाइड लिखेंगे तो यहाँ हिडन ऐप्स ये ऑप्शन शो करेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जो एप्लीकेशन आप में देखे हिडन में लगी होंगी यहाँ पे देखे ऑन शो करेगा। दोस्तों और भी जो एप्लीकेशन को आप लोग हाइड करना चाहते हैं, जैसे व्हाट्सएप को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे कैमरा या कोई भी देखे एप्लीकेशन है उसे हाइड करना चाहते हैं, जो एप्लीकेशन को आप लोग हाइड करना चाहते हैं इस तरह आपको एक एक करके यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। इस तरह आप लोग सिलेक्ट कर देंगे, फिर यहाँ से बैक आ जाना है, फिर यहाँ से बैक आ जाता हूँ, फिर जैसे आप लोग इतना एक्टिवेट कर देंगे, फिर जैसे मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखे जो एप्लीकेशन को मैं हाइड किया हूँ यहाँ पे शो करिए। जैसे आप लोग और ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ प्लस वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन को और हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरह आप लोग यहाँ पे ऑन करके और एप्लीकेशन को भी हाइड कर सकते हैं। ये हो गए, जैसे आप लोग ऐप को हाइड कर लेते हैं बाद में आपको लगता है मुझे कोई एप्लीकेशन को यहाँ से अनहाइड करना है तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो आपको यहाँ से बैक जाना है। और दोस्तों मैं आपको दोबारा यहाँ पे आपको ट्राई करके दिखाता हूँ, जैसे आप लोग ऐसे करेंगे तो यहाँ हिडन ऐप्स आ जाता है। दोस्तों से आप लोग एप्लीकेशन को लॉक करना चाहें तो यहाँ से ऐप लॉक का भी ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। दोस्तों इसे ऑन करके दिखाता हूँ, यहाँ जैसे ऑन किया तो ये आ गए। दोस्तों मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ, जैसे आप लोग एप्लीकेशन को हाइड कर दिए बाद में आपको लगता है मुझे अनहाइड करना है, अब मुझे देखिए जरूरत नहीं है हाइड करने की, तो दोस्तों इसके लिए फिर आपको यहाँ सेटिंग पे जाना होगा, यहाँ सेटिंग्स यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपको सर्च वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा हाइड, जैसे पहले किए थे उसी तरह आपको दोबारा सर्च करना है तो यहाँ हिडन ऐप्स ये मिल जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो जो एप्लीकेशन हाइड होंगी यहाँ पे शो करेंगी। जिस भी एप्लीकेशन को आप लोग अनहाइड करना चाहते हैं आपको वहाँ पे इस तरह ऑफ कर देना है, जो ऑन है यहाँ पे ऑफ कर देना है, इतना कर देना है, फिर यहाँ से बैक आ जाना है। दोस्तों इतना कर देंगे तो ये एप्लीकेशन अनहाइड हो जाएंगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे व्हाट्सएप शो करा है कि नहीं करा है, जैसे व्हाट्सएप को अनहाइड किया हूँ तो यहाँ पे देख लेता हूँ व्हाट्सएप। दोस्तों यहाँ पे देखे व्हाट्सएप शो कर रहा है, दोस्तों इसे मैं दोबारा यहाँ पे कर रहा हूँ तो दोस्तों यहाँ पे देखे जो एप्लीकेशन मैं डिलीट कर दिया हूँ यहाँ से अनहाइड कर दिया हूँ तो यहाँ से देखे ये एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं शो करी है। तो दोस्तों इस तरह आप लोग बिना एप्लीकेशन के आप लोग अपने मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके मोबाइल में सेटिंग नहीं है तो आप लोग कमेंट करिए कि आपका कौन से कंपनी का मोबाइल है, उसका भी तरीका बताऊंगा, उसमें भी आप लोग बिना किसी एप्लीकेशन के आप लोग अपने मोबाइल में एप्लीकेशन को हाइड कर पाएंगे।